20 नवंबर 1995 गुजरात छोड़कर दिल्ली आ चुके नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल के बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर का भी प्रभार मिला। मोदी की सियासी सूझबूझ ने कमाल दिखाया। हरियाणा और चंडीगढ़ में 1996 में बीजेपी बड़ी ताकत के तौर पर उभरी। 1998 में बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई प्रेम कुमार धूमल की अगुवाई में। मोदी का कद राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता चला गया। 1998 में बीजेपी के संगठन महामंत्री बने। उस समय तो स्वयं होकर के बहुत छोटी छोटी चीजों पर भी वो ध्यान करने के लिए तत्पर रहते थे, उनके पास समय भी था। मुझे ध्यान है कि 1996 में मुझे अगर कंप्यूटर को सीखने की प्रेरणा देने वाले कोई व्यक्तित्व है तो नरेंद्र मोदी है। मई 1999 में पाकिस्तानी सेना की कारगिल में हुई घुसपैठ का भारत ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए मोदी खुद कारगिल गए, घायल जवानों से अस्पताल में मुलाकात की। अरे घटना हम कभी नहीं भूल सकते, मोदी जी भी नहीं भूलेंगे। हम जवानों को जो सामान दे रहे थे वो रख रहे थे बेचारे, एक जवान ने हाथ ही नहीं किया। माइन ब्लास्ट में इस जवान के दोनों हाथ और दोनों पैर उड़ गए। मोदी जी ने उसके सिर पे हाथ रखा और प्यार से पूछा, बड़ा दर्द होता होगा। जवान ने कहा, सर कल शाम से नहीं हो रहा सर, कल शाम टाइगर हिल वापस ले लिया, मेरा दर्द खत्म हो गया। सबकी आंखों में आंसू थे उसकी वीरता को देखकर। कारगिल से पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय सेना ने मार भगाया। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में तीसरी दफा एनडीए की सरकार बनी। बीजेपी की बढ़ती ताकत में मोदी संगठन महामंत्री के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इत्तेफाक ये कि बीजेपी पूरे देश में मजबूत हो रही थी, लेकिन मोदी के अपने गृह प्रदेश में कमजोर। साल 2000 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में बीजेपी को गुजरात में ज्यादातर जगहों पर हार का सामना करना पड़ा था। देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, लेकिन गुजरात के लिए यह दिन काल बनकर आया। जबरदस्त भूकंप के कारण 10,000 से अधिक लोगों की जान गई। बहुत ध्वस्त हो गया था अंजार में, तो स्कूल पूरी की पूरी और बच्चे भी थे उनमें समाप्त हो गए थे। तो ऐसी खराब हालत थी उन दिनों में कि पता नहीं था कि इसमें क्या करें। कच्छ में जान माल का सबसे अधिक नुकसान हुआ। भूज की पुनर्रचना कैसे होनी चाहिए, उन्होंने कहा था कि अलग जगह पर बड़ी जगह लेकर गांवों की पुनर्रचना करनी चाहिए और शहरों जैसी रचना करनी चाहिए। बड़े रास्ते होने चाहिए, गटर होने चाहिए और विद्यालय होने चाहिए। आज हमें लगता है कि कच्छ में कभी भूकंप हुआ ही नहीं, तो ये जो संस्कृति है, कल्चर है, वो उनके दिमाग में है। आपत्ति को अवसर में बदलना, ये दो जीवन सूत्र नरेंद्र मोदी के पूरी राजनीतिक और सामाजिक जीवनी में है। भूकंप के इस कालखंड में राहत और बचाव कार्यों में राज्य सरकार की शिथिलता को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल पर गंभीर सवाल उठे। सितंबर महीने में साबरकांठा की लोकसभा सीट और साबरमती की विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। दोनों जगह पार्टी की हार हुई। पार्टी के अंदर चिंतन का सिलसिला शुरू हुआ। 1 अक्टूबर 2001
माधवराव सिंधिया के साथ विमान दुर्घटना में मारे गए कैमरामैन गोपाल सिंह बिष्ट का दिल्ली में अंतिम संस्कार हो रहा था। नरेंद्र मोदी भी वहीं मौजूद थे। उनके मोबाइल फोन की घंटी बजी, लाइन पर थे प्रधानमंत्री वाजपेयी। कहा, शाम में मिलने के लिए आओ। मोदी वाजपेयी से मिलने गए। गुजरात वापस लौटने का फरमान मिला मुख्यमंत्री के तौर पर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर ना नामे सौगंध लू छु के कायदा थी स्थापित भारत ना संविधान प्रत्ये हूँ साची श्रद्धा ने निष्ठा धरावीश। हूँ भारत ना सार्वभौमत्व नु अने अखंडता नु समर्थन करीश अने हूँ गुजरात राज्य ना मुख्यमंत्री तरीके ना मारा कर्तव्यों श्रद्धा पूर्वक अने अंतःकरण पूर्वक बजावीश। मुख्यमंत्री पद संभालते ही नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबा के पैर छूने गए। मां ने आशीर्वाद के साथ सीख भी दी, बेटा कोई घूस दे तो लेना मत। गुजरात का सीएम बने हुए मोदी को 4 महीने हो गए थे। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सीएम की कुर्सी संभालने के 6 महीने के अंदर मोदी को सदन का सदस्य बनना था। 1.5 दशक से पार्टी और साथियों को अलग अलग चुनावों में जीत दिलाते आए मोदी को खुद के लिए पहली बार चुनाव लड़ना था। मैंने पार्टी के लिए, पार्टी की जरूरियात के लिए सीट खाली कर दी और उसी पर नरेंद्र भाई जीत कर आए। 27 फरवरी 2002, गोधरा रेलवे स्टेशन से ठीक आगे साबरमती एक्सप्रेस के S6 डिब्बे में साजिश के तहत दंगाइयों की भीड़ ने आग लगाई। निशाने पर थे वो कार सेवक जो अयोध्या से लौट रहे थे। आगजनी में 59 लोगों की मौत हुई। अगले ही दिन गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में दंगे भड़क उठे। उन्होंने बाकी जो राज्य थे इंक्लूडिंग कांग्रेस के राज्य उनसे मदद मांगी कि मुझे पुलिस चाहिए। वो पुलिस की मदद मिली नहीं उनको, आर्मी की मदद मांगी उन्होंने, आर्मी आ गई दूसरे दिन। जो ये पूरा प्रचार था कि भाई उन्होंने दंगों को भड़काया, वो बिल्कुल दुष्प्रचार था। 28 फरवरी की देर रात वायुसेना के विमानों से सैनिक अहमदाबाद पहुंचे। दंगों को लेकर विपक्ष ने मोदी पर हमले शुरू कर दिए। ये भी मोदी जी के लिए एक बड़ा चैलेंज था, गुजरात को संभालना, कम्युनिटी हार्मनी को संभालना, जिन्होंने गुंडागिरी की थी उनको नसीहत देना। और देश भर के सुडो सेक्टरलिस्ट, मोदी ने यह किया है, मोदी ने यह किया है, मोदी जी को बदनाम करने के लिए पूरी कोशिश की। डिक्शनरी में जितने खराब शब्द है आज, वो सभी मोदी जी के लिए यूज हुआ उस वक्त। तभी भी मोदी जी ने कोई धैर्य नहीं छोड़ा। विपक्षी पार्टियों का हमला जारी रहा। मोदी ने जनता की अदालत में जाने का फैसला किया। जुलाई 2002 में गुजरात विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की। 10 साल बाद मोदी एक बार फिर से रथ पर सवार हुए। गुजरात के गौरव को स्थापित करने के लिए नाम दिया गौरव यात्रा का। यह भी राजनीति में मोदी जी ने प्रस्तापित किया है कि पूरा हिसाब देना, अपने जो हमको वोट दिया, हमने क्या किया है, उसका हिसाब देने के लिए वो जाते थे। और गुजरात स्पिरिट, गुजरातियों का स्पिरिट्स, उनको बढ़ावा मिले, उस वक्त गुजरात का आत्मगौरव बढ़े, तो गौरव यात्रा उस वक्त इस मुद्दे पर उन्होंने पूरे गुजरात में घुमाई थी। यात्रा को अपार जन समर्थन मिला। पार्टी को गुजरात विधानसभा की 182 में से 127 सीटें हासिल हुईं। मोदी का दूसरा शपथ ग्रहण। हूँ भारतना सार्वभौमत्वनु अने अखंडतानु
समर्थन करे। अट्ठाईस सितंबर 2003 अहमदाबाद का टैगोर हॉल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का साक्षी बना। Here was a concerted attempt to draw investments into Gujarat. You cannot have growth without investments, and you needed to make a concerted effort to get growth and investments. And Vibrant Gujarat served for many years as that one event that focused everybody on the fact that we needed to get investments into Gujarat. देश विदेश के बड़े उद्योगपति शामिल हुए, बड़े पैमाने पर निवेश के प्रस्ताव आए, मोदी के शासन की जमकर तारीफ हुई। 2003 से शुरू हुआ ये सिलसिला हर दो साल पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तौर पर जारी रहा। पहले से ज्यादा भव्य, ज्यादा नामचीन उद्योगपतियों, देशों और कंपनियों के प्रतिनिधित्व के साथ। In course of time, I think the Chief Minister will find that he will not have to attract people to Gujarat. The question will be, you're stupid if you're not here. देशी विदेशी निवेश गुजरात में लगातार बढ़ता रहा। इस बीच मोदी एक और मिशन पर लगे, गुजरात के चौतरफा विकास की कोशिश, नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर करने की कोशिश। यही कोशिश गुजरात मॉडल के तौर पर जानी गई देश विदेश हर जगह। उनका जो था वो स्किल एंड स्केल, ये एक महत्वपूर्ण उनका सूत्र बना रहा। स्किल डेवलप करना है, वोकेशनल जो चांसेस है, वोकेशनल कोर्सेज है, उसको डेवलप करना चाहिए, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले इसकी ओर उन्होंने ध्यान दिया। शाला प्रवेशोत्सव, पहले शौचालय फिर देवालय, सभी घरों में 24 घंटे बिजली देने वाली ज्योतिग्राम योजना, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी का गुजरात में शुरू किया। तब पूरा हिंदुस्तान में जो है 24/7 इलेक्ट्रिसिटी किसी को दे सकते हैं, हर घर में दे सकते हैं, ये तो कोई सोच ही नहीं सकते थे। खेत की पैदावार बढ़ाने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, कृषि महोत्सव, परिवर्तन खेडूतमा परिवर्तन पाकमा परिवर्तन एम कृषि संपूर्ण व्यवस्था बाबत परिवर्तन, चमकते सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेजों की संख्या में भारी भरकम इजाफा, रर्बन मिशन, शहर जैसी सुविधाएं गांव में। तो नरेंद्र भाई की दो, नरेंद्र भाई ने कहा, देश को दिशा दिखानी है, गुजरात को ही दिखानी पड़ेगी, भले ही महंगा, लेकिन हमें सूर्य किरणों से बिजली उत्पन्न करनी पड़ेगी, और हमारी कच्छ की धरती इतनी विशाल है कि पूरे देश को हम यहाँ से बिजली देंगे। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, दुनिया का सबसे लंबा कैनाल नेटवर्क, देश का पहला रिवर फ्रंट। When the project got done and finished, suddenly you had 11,000 slum dwellers had found new houses for themselves, and 2 square kilometers of land had been reclaimed on both sides of the river. It showed the way of how our complex problems can be tackled in a way that ordinary people find it meaningful and useful. विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, Statue of Unity, लाखों चेक डैम बनवाकर भूगर्भ जल स्तर को ऊंचा उठाना, सौराष्ट्र और कच्छ के सूखे इलाकों में नर्मदा का पानी पहुंचाना, पुलिस बेड़े का आधुनिकीकरण, पंचायतों तक इंटरनेट का जाल, जन शिकायतों के निवारण के लिए स्वागत ऑनलाइन का हैंडल, इन सब से मिलकर बना मोदी का गुजरात मॉडल। विकास एक नवी दिशा, आ तो हजू शुरुआत, मंजिल घड़ी लांबी। वोट बैंक की जगह विकास की राजनीति पर आगे बढ़ चुके थे नरेंद्र मोदी, लेकिन जल्दी ही उनकी राह में कुछ और बड़ी अड़चने आने वाली थी।
गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुख्यमंत्री ने अपने स्टेट के लिए उपवास किया हो, अभी तक एक ही दाखिला है और नरेंद्र भाई मोदी का है। केंद्र सरकार थी कांग्रेस की, बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपवास किया, पूरा गुजरात जाग गया। वजह थी मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार की तरफ से लगाई गई अड़चन, जिसके कारण सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई नहीं बढ़ाई जा सकती थी। गुजरात में बिजली नो पण दोज वहेतो थई जाय, आजथी अमे तैयारी करी। मोदी का उपवास 52 घंटे चला, गुजरात की मांग पूरी हुई। सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर आगे बढ़ रहे थे नरेंद्र मोदी। इसी दौरान 2007 का विधानसभा चुनाव आया, विपक्ष एक बार फिर से हमलावर। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी डर और मौत के सौदागर हैं। लेकिन जनता का भरोसा मोदी पर। दो हजार सात में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई, मोदी का सिक्का और जमा, अजीत की छाप मजबूत हुई। तीन अक्टूबर 2008, ममता बनर्जी के हिंसक विरोध के कारण पश्चिम बंगाल के सिंगूर से अपनी ड्रीम कार नैनो का प्लांट बंद करने का ऐलान रतन टाटा को करना पड़ा। टाटा परेशान थे, कहां जाएं, किस जगह नैनो का प्लांट लगाएं। उसी समय उनके मोबाइल पर एक छोटा सा एसएमएस आया, सुस्वागतम। संदेश भेजने वाले थे नरेंद्र मोदी। रतन टाटा ने क्षण भर की देरी नहीं की और मन बना लिया गुजरात में टाटा नैनो का प्लांट लगाने का। We've been through a rather sad experience from a small quarter of the residents of West Bengal, despite the state government's efforts. And so quickly and so efficiently and so with so much enthusiasm, we now have a new home. September 17, 2011, मोदी अपना 61वां जन्मदिन मना रहे थे, लेकिन अनूठे ढंग से। अपने जन्मदिन के मौके पर मोदी ने 3 दिन के सद्भावना उपवास की शुरुआत की। उद्देश्य था गुजरात में शांति और सद्भाव को मजबूत करना। अहमदाबाद के बाद मोदी गुजरात के हर जिले में गए, समाज के सभी वर्गों में आपसी विश्वास बढ़ा। मोदी पर देश दुनिया का भी भरोसा बढ़ने लगा। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 16 मार्च 2012 के अपने अंक में मोदी को कवर पर जगह दी। टिप्पणी थी, मोदी मींस बिजनेस। एकमत गुजरात भाजपा सरकार के नारे के साथ नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में उतरे, जीत की हैट्रिक लगाई। मोदी को देश के अगले पीएम के तौर पर देखा जाने लगा। कई राज्यों से जो लोग आते थे अब बोलते थे कि मोदी जैसा काश हमारे सीएम होते तो हमारा भी राज्य ऐसा होता। ठीक है, अगली बार हम उनको प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उसी दिनों में देश के कार्यकर्ता उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। आम जनता के दिल में मोदी ने अपने लिए जगह बना ली। 13 सितंबर 2013, देश में चल रही मोदी लहर का अंदाजा बीजेपी के बड़े नेताओं को भी था। पार्टी ने मोदी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश कर दिया। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। जो कभी चाय लेकर ट्रेन के पीछे भागता था, उसके पीछे अब जन सैलाब था। नरेंद्र मोदी का चुनावी अभियान जोर शोर से शुरू हो गया।
कहीं चाय पर चर्चा, कहीं रोड शो, कहीं पर जनसभा, तो कभी 3D रैली। अलग अलग भाषा, वेशभूषा, नरेंद्र मोदी देश के हर हिस्से में प्रचार के लिए गए, लेकिन हर जगह सभा में गूंज एक ही। 16 मई 2014 मतगणना शुरू हुई। लोकसभा की 543 सीटों में से एनडीए ने 336 पर जीत दर्ज की। अकेले बीजेपी को 282 सीटें मिली। पहली बार ऐसा हुआ जब बीजेपी खुद अपने बूते पर सरकार बनाने की हालत में थी। नरेंद्र मोदी वाराणसी और वडोदरा दोनों सीटों पर रिकॉर्ड मतों से जीते। मई 2014 संसद भवन पहुंचे मोदी, अचानक इसके मुख्य द्वार पर लेट गए, प्रणाम किया संसद भवन को। आखिर प्रजातंत्र की खासियत ही थी, जो वडनगर के एक गरीब घर में जन्मा हुआ व्यक्ति पूरे देश की बागडोर संभालने जा रहा था। बीजेपी के संसदीय दल के नेता के तौर पर मोदी का चुनाव हुआ। मोदी ने 21 मई को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। 22 मई को आनंदीबेन पटेल राज्य की नई सीएम बनी। उसी शाम अहमदाबाद एयरपोर्ट से मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे। भावनाओं का ज्वार उठा, आंखें नम हुई, जुबान से निकले दो शब्द, आओ जो गुजरात।